गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी हिंदी के क्लास में पार्ट चार खूनी हस्ताक्षर के बारे में पढ़ेंगे। श्री गोपाल प्रसाद व्यास इस युग में हास्य व्यंग्यकार है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने वही खून धने जो देश की आज़ादी के काम में आए, काय के बारे में बताया गया कि वही खून धन्य है जो काय के बारे जो हमारे देश के काम आ सके। उन्होंने यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1944 बर्मा में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के सम्मुख की गई घोषणा के संबंध में लिखा है। अब कौन से सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1944 को आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के संबंध में एक उन्होंने क्या लिखी है, घोषणा लिखी है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून किस मतलब का जो देश के काम नहीं आ सके। वो क्या कह रहे हैं, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि वह खून किस काम का जो देश के काम ना आ सके, है ना। वह खून किस मतलब का जिसमें जीवन की रवाना ना हो, जो प्रवेश होकर बहता वह खून नहीं पानी। और वो कह रहे हैं कि वह खून किस काम का जो देश के काम ना आए, है ना। तो वह खून किसके समान है, पानी के समान है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। उनको आज़ादी की कीमत उन्होंने कब पहचानी थी, जब सुभाष चंद्र बोस ने वर्मा में उनसे क्या मांगी थी, कुर्बानियाँ मांगी थी। बोलो स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना। अब सुभाष चंद्र बोस ने उनसे क्या कहा कि तुम तो अब बहुत जी चुके लेकिन अब तुमको किसके लिए जीना है, देश के लिए जीना है। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूले से गूंथी जाएगी। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि आज़ादी के चरणों में जो तुमको क्या पहनाई जाएगी, जयमाला पहनाई जाएगी, और वो जयमाला काय की होगी, तुम्हारे शीशों की, मतलब तुम्हारे सिरों की होगी, और फूलों के जगह वो जयमाला काय से गूंथी जाएगी जो वीर सैनिकों की शीशों से गूंथी जाएगी, मतलब वीर सैनिकों के सिरों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, वह शीस कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता। अब आज़ादी का जो संग्राम है वो पैसे से नहीं, वो तो कायक से काटने से झेला जाता है, सिर कटाने से झेला जाता। वे कहते वक्ता भी आँखों में खून उतर आया, मुक्त रक्त ऋण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्त खाया। और वे कहते हैं कि हमको क्या करना है, देश की सेवा करना है। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल ना समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए रहते थे। अब उनकी बातों का जो लोगों पे इतना वो हुआ, असर हुआ कि लोगों के सीने में क्या काय की लहर, मतलब लोगों के दिलों में इनकलाब के नारे लोग क्या करने लगे, लगाने लगे। कोसों दुख इस को, मतलब बहुत दूर दूर तक इसकी आवाज़ें आने लगी। हम दे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते। और सो जो युवक थे वो सब क्या हो चुके थे, तैयार हो चुके थे, और उनके बस एक ही शब्द निकल रहे थे कि हम युद्ध में जाने के लिए क्या है, तैयार खड़े हैं। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो ये कागज़ कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी बातों से हमको मतलब नहीं, तुम तो ये कागज़ लो और इन कागज़ पर क्या करो, अपने खून से क्या करो, हस्ताक्षर करो। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा कि तुमको अपना तन मन सब कुछ किसको अर्पण करना है, भारत माता को अर्पण करना है। और ये आपका जो लेसन 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।